Hello guys, welcome back to our channel. I am Gungun. I'm Shweta. I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं अगेन पवन सिंह के न्यू सॉन्ग पे. तो पवन सिंह का अभी एक सॉन्ग आया था उनके बर्थडे पे, अगेन उनका एक न्यू सॉन्ग आ गया है. शिल्पी राज है सिंगर अगेन. पूछा था लास्ट टाइम की कौन है सिंग, मतलब शिल्पी राज की होती है, तो किसी ने बोला था कि उनके साथ वॉइस मैच कर पाना किसी और कोऑर्डिनेशन उनका ही बैठता है इसलिए. सो थैंक यू फॉर गिविंग अस द आंसर्स. तो सपना चौधरी इसमें स्टार कास्टेड है. ऑलरेडी ये सॉन्ग नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है. तो हम लोग पहले सॉन्ग को सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे रिएक्शन देंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो ये था सॉन्ग सपना चौधरी का. आई थिंक ये फर्स्ट सॉन्ग है नहीं भोजपुरी में, क्या किया है उसके पहले सॉन्ग पता नहीं. सपना तो बेसिकली हरियाणवी इंडस्ट्री से है. सपना का वो सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, आख्या का यो काजल, वो बिग बॉस में आई थी ना उसके बाद हिना वाले सीजन में, सीजन 11 में. तो उसके बाद उनका वो सॉन्ग अख्या का यो काजल, यही ना. तो ये बहुत फेमस हुआ था सॉन्ग.
आई थिंक फर्स्ट टाइम ही उनकी मतलब पहला सॉन्ग है आई थिंक भोजपुरी में, और लिपसिंग करना थोड़ा मुश्किल हुआ होगा ना ऑब्वियसली क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो फर्स्ट एंट्री है बेसिकली। अच्छा था सॉन्ग, लहंगा लहक जाए इसका मतलब क्या होता है बताना मुझे, नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या था। सपना लेकिन हरियाणवी लुक ही लग रहा था उसका, उसका लुक हरियाणवी वाला ही, सपना का लुक लेकिन हरियाणवी वाला ही लग रहा था मुझे। इवन पवन सिंह का भी यार सुबह स्लिप कर जाती है थोड़ी थोड़ी जाती है थोड़ी, तो पवन सिंह का लुक भी नहीं थोड़ा लग रहा था, लेकिन सपना का जो है वो बिल्कुल हरियाणवी वाला लग रहा है। वैसे पवन सिंह का भी आज लुक थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, क्योंकि हाँ। उन्होंने एक तो ट्रेडिशनल डाला ना, ट्रेडिशनल तो उन्होंने खैर लास्ट वाले में भी डाला था, यहाँ पे भी थोड़ा अलग टीका टीका वगैरह तिलक था बेसिकली, वो ओपन एरिया में शूट हुआ है, वैसे ही तो लग रहा है। अंदर वाला जो पोर्शन था वो जो रेडिश टाइप का जो थीम था वो अच्छा लग रहा था ना। हाँ स्टूडियो था आई थिंक, अच्छा लग रहा था मुझे। ना चौधरी ने जो लहंगा डाला था ना मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो जो कलर कोऑर्डिनेशन जो था पिंक में था, नीचे लोअर पिंक ये येलो था ऊपर वाला यूनिक लग रहा था। नॉर्मली येलो के साथ पिंक का मैंने नहीं देखा कलर कोऑर्डिनेशन, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा था। और सपना ने लूज किया है काफी, है ना, अच्छी लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है सपना। सपना का लुक्स बहुत अलग हुआ है, मतलब जब से उसको देख रहे हो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे मतलब सीरियसली लगा कि सपना का लुक बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। और स्टार्टिंग भी जो हुई ना इस सॉन्ग की, ये भी वो हमने जो लाल घाघरा पे रिएक्शन दिया था वो आता है जीप से, नहीं इस बार थोड़ा अलग स्टार्ट था, लेकिन अगर देखा हो तो वो इंडिया गेट के वहां से बाइक लेकर हाँ, था हाँ, ऐसे एंट्री उनके दूसरे सॉन्ग्स में नहीं रहता, बट वो कुछ लेके ही एंट्री करते हैं और रोड साइड पे इंडिया गेट के सामने, बट उनकी एंट्री कुछ लेके ही होती है हर सॉन्ग पे, बाइक पे मैंने डिनाई की, हाँ मतलब बाइक पे कभी जीप पे कभी कार पे डिनाई की। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ कि उनकी एंट्री हमेशा मतलब व्हीकल्स में ही होती है जब होती है ऐसा। हाँ बस, बट हमने जो वो लास्ट सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था वो नहीं था वैसा, नहीं। है ना, वो अलग था, ये अलग था। ये सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है नंबर वन पे, पवन सिंह का हर सॉन्ग ही ट्रेंड करता है नंबर वन पे, मतलब इवन इससे पहले भी जो लास्ट सॉन्ग पे हमने रिएक्शन दिया वही नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा था, और अभी अभी ये कर रहा है। हाँ अलग ही क्रेज है पवन सिंह का। वो हमें रिएक्शन मतलब बहुत सारे मतलब आते हैं कि आप लोग रिएक्शन दो पवन सिंह के, तो हम लोग देते हैं रिएक्शन, और भी बहुत सारे आए हम लोग देख। और ये सॉन्ग का तो हमें दो तीन दिन पहले से ही सब कमेंट्स में बोल के जा रहे थे कि ये आने वाला है, तो इस पे रिएक्शन दो देना आएगा, तो इवन हमें आज भी बोल गया कि रिएक्शन देना आ गया है सॉन्ग, तो हमने सोचा कि बना लेते हैं इस पे, तो हमने बना लिया रिएक्शन। मजा बहुत आया सॉन्ग सुन के, सही में बहुत मजा आया। तो ये था हमारा रिएक्शन गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।